नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आज पालीवाल मैरिज हाल में कांग्रेस कमेटी आजमगढ़ के तत्वाधान में हाल ही में नवनियुक्त समस्त पदाधिकारियों के स्वागत एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समस्त नवनियुक्त पदाधिकारी गण को जिलाध्यक्ष श्री प्रवीण कुमार सिंह ने कांग्रेस का झंडा, अंगवस्त्र, कैलेंडर एवं डायरी देकर सम्मानित किया। आपको बताते चले कि हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लालू के निर्देशन में कांग्रेस के महासचिव श्री विश्व विजय सिंह के द्वारा नई जिला कमेटी की घोषणा की गई। साथ ही जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह द्वारा नव नियुक्त पदाधिकारी गण को उनका कार्यभार भी सौंपा गया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए श्री आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि जो नए पदाधिकारी गण नियुक्त हुए हैं वो वाकई काबिले तारीफ है। युवाओं और बुजुर्गों का एक ऐसा संगम पहली बार किसी कमेटी में देखने को मिला है। देश को चलाने के लिए युवा के जोश और बुजुर्गों के अनुभव की सख्त आवश्यकता है, जिसे हाईकमान ने बखूबी समझा है और अमल में लाया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह ने कहा कि हमें इस नई कमेटी से काफी उम्मीदें हैं और मैं समस्त पदाधिकारी से आशा एवं अपेक्षा करता हूं कि आप अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करते हुए राहुल जी एवं प्रियंका जी के कंधों को मजबूती प्रदान करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खैरवार। सर, आज जो सम्मान समारोह क्या रखते हैं? देखिए, हमारी कमेटी आई, हमारी कमेटी का सम्मान समारोह है। सम्मान समारोह के साथ साथ क्योंकि सारे लोगों ने इस कोरोना महामारी में अपना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया था, उस योगदान को देखते हुए हमारी कोरोना चूँकि वैश्विक महामारी थी, गांव का हर व्यक्ति परेशान था, पूरा देश में पूरा विश्व परेशान था, ऐसे में कमेटी डिसाइड नहीं हो पाई थी। हमारी कमेटी एक सप्ताह पहले आई थी और चूँकि सारे हमारे कमेटी के लोगों ने और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने इस महामारी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, आज इनका एक सम्मान समारोह है और सम्मान समारोह के साथ आगे वाली चुनौतियों से लड़ने के लिए इनको जिम्मेदारियाँ दी जाएंगी और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज सम्मान समारोह रखा। कितने लोगों का सम्मान किया गया? हमारी कमेटी 41 लोगों की हमको लेकर गए, तो लगभग 40 लोग हैं और हमारे जो नए शहर अध्यक्ष बने नजम सभी उनका भी सम्मान किया। इस पूरे कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या रहेगा, ये लोग का जो सम्मानित हुए? कार्यक्रम का उद्देश्य बस एक है कि चूँकि इन लोगों ने कोरोना संकट के दौर में, कोरोना महामारी के दौर में इन लोगों ने बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया था और चूँकि कमेटी आई थी तो अभी कोरोना की महामारी बहुत लंबे समय तक चलेगी तो उसकी जो सावधानियां हैं वो बताई गई, उन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए कैसे हम अपने मिशन को आगे बढ़ाएं, कैसे लोगों की सेवा करें, कैसे लोगों का सहयोग करें, उस उद्देश्य से कर। क्या आपको लगता है कि ये नई कमेटी कांग्रेस को आगे ले जाने में सक्षम होगी? बिल्कुल बिल्कुल ले जाएगी कांग्रेस, दिन प्रतिदिन आप लोगों को भी लग रहा है, क्योंकि तय समय अवधि के अंदर एक निश्चित जिम्मेदारी दी जा रही है कि आपको ये करना है, वो चीज़ें हम लोग का इंटरनल है और हम लोग आने वाले 3 महीने में आपको लगेगा कांग्रेस गाँव तक लिखेगी।